सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द एट्रिया क्रिएटर्स। तो मैंने आज बहुत दिनों बाद, मुझे इतना खुशी हो रही क्योंकि पिक्सल एक्सपीरियंस रोम ऑफिशियली अब हमारे रेडमी 9 प्राइम और पोको एम टू प्रो डिवाइस के लिए भी अवेलेबल हो गया है। तो इसी खुशी में वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप कस्टम रोम को प्यार करते हो। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो एज यू कैन सी दिस, ये है पूरा पिक्सल एक्सपीरियंस रूम। आप यकीन ना करोगे, इसमें एक भी बग मुझे अभी तक तो फिलहाल नहीं दिखा, ना कॉलिंग का, ना किसी चीज़ का वोल्टी का। मैंने जियो सिम भी इस्तेमाल किया अपने डिवाइस में, मेरे पास 4-5 जियो सिम्स हैं आप देख सकते हो, बट इसमें कोई भी इशू नहीं आया मुझे। और ये देखो कितना स्मूथ है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेटिंग से स्टार्ट करूँ या बेंचमार्क से? मैं बेंचमार्क से स्टार्ट करूँगा। पहले बेंचमार्क आप देख लो, क्योंकि आप लोग बेंचमार्क में ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। तो लेट मी गो टू फाइल्स और मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन शॉट्स। तो ये देखो, ये रूट प्री रूटेड रॉम नहीं है, ये मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। और इसका गीकबेंच स्कोर एवरेज पिक्सल प्लस यूआई रोम से ज़्यादा अच्छा है। 350 का सिंगल कोर एंड 1273 का मल्टी कोर स्कोर है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये मैं कह दे रहा हूँ अभी। हाँ, बट अगर आप सीपीयू थ्रोटल की बात करो तो 92% टू इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। अभी थोड़ा ये फर्स्ट स्टेप बीटा बिल्ट है, तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट आगे चलते चलते इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके नेक्स्ट अगर आप देखो तो मैंने सेफ्टी नेट बहुत बार रन किया, बट मुझे कुछ खास उसका रिजल्ट नहीं शो किया, मुझे एंड ही दिखाया। फेल्ड दिखाता था बट मुझे नहीं दिखाया, तो मैंने सिर्फ लास्ट ही छोड़ डाला, उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। स्पीड टेस्ट की मैं बात करूँ तो मैं उसका स्क्रीनशॉट अभी वीडियो एडिट करने से मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हो। रूट चेकिंग में तो मैंने दिखाई दिया हूँ। अब बात करता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेशन की। तो मेरे पास नेटफ्लिक्स है, मैं नेटफ्लिक्स पे ही आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास है कि नहीं। सेटिंग्स, डाउनलोड्स, वन सेकेंड, ऐप सेटिंग्स, मोबाइल डेटा यूसेज, डाउनलोड एंड वीडियो क्वालिटी, डिवाइस। यहाँ पे आपको प्लेबैक स्पेसिफिकेशन में क्लियरली मेंशन ये L3 आ रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप MIUI से अगर इस रोम को फ्लैश करोगे तो L3 नहीं आएगा, L1 आएगा। बट अगर आप डायरेक्टली फ्लैश कर रहे हो अनदर रोम टू अनदर रोम, तो ये L3 आ सकता है। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से बिल्ट इन रहना होगा कि आपको फ्लैश करना ही होगा हर हाल में MIUI इसके लिए। ये रोम बहुत स्मूथ, मैं अभी बोल दे रहा हूँ आपको, ये बहुत स्मूथ है। इसमें अब एडेप्टिव आइकन्स का ऑप्शन आया था बट मैंने नहीं इनेबल किया। नेटवर्क इंटरनेट की बात करूँ तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग, कोई चीज़ में इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स भी है, तो प्लीज़ आप लोग कॉपरेट करें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैंने नीचे ग्रुप दे रहा हूँ, पुराने वाले ग्रुप पर मत जाने क्योंकि वो ग्रुप पता नहीं किसी ने रिपोर्ट करवा के बैन करवा दिया, तो सॉरी उसके लिए। VPN सब है अवेलेबल। अभी मेरे पास नेट ख़त्म हो गया आज यूज़ करते करते। मैं एक्चुअली सेलुलर बेस से अपलोड करता हूँ, वाईफाई मेरा वर्क नहीं कर रहा है, तो जिस कारण से ऐसा है। उसके बाद मैं कनेक्टेड डिवाइस की बात करूँ तो यहाँ मेरा TWS है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई मुझे इशू नहीं आ रही है। ऐप्स की बात करूँ तो गेम सेटिंग्स याद मिलता है, मीनवाइल गेम टर्बो मैंने कोई गेम नहीं चेक किया है। अगर आप चाहते हो गेम का तो फिर आपने मुझे आप बोल देना, मैं उसके लिए भी ट्राई ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं मैं नहीं करूँगा, पर मैं ज़रूर करूँगा। डिफ़ॉल्ट ऐप्स में मैं दिखा दूँ, यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको पिक्सल लॉन्चर मिल रहा है, तो कस्टमाइजेशंस और लुक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद मैं इधर बैक आता हूँ, सेटिंग्स में वापस गया। बैटरी की बात करूँ तो मेरे बैटरी यूजेज आप कुछ ऐसे देख लो। मैंने 30% कुछ यूट्यूब यूज़ किया, फिर 4% मैंने नेटफ्लिक्स में, या मैंने कल ही चार्ज किया था, आज मैंने चार्ज नहीं किया डिवाइस को। अडेप्टिव प्रेफरेंस पे आप देख सकते हो, टर्न ऑन लाइट व्हेन चार्जिंग, बैटरी परसेंटेज आप करोगे तो यहाँ से ही एनेबल हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। स्टोरेज की मैं बात करूँ तो हाँ, यहाँ सिस्टम ऐप्स डॉक्यूमेंट्स आप देख लो, मैंने ज़्यादा भरा नहीं है, आप देख सकते हो, मैंने खाली रोम रिव्यू करने के लिए डाला था। एडेप्टिव ब्राइटनेस वर्क कर रहा है फाइन, अगर मैं इसको करूँ तो आप लोग को क्लियरली दिखेगा नहीं, इसलिए मैं अडेप्टिव ब्राइटनेस बंद कर दे रहा हूँ। लॉक स्क्रीन में यहाँ पे एम्बियंट डिस्प्ले नहीं दिया क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। डार्क थीम वर्क कर रहा है परफेक्टली, अगर मैं इसकी ब्राइटनेस फुल कर दूँ 100, या हाँ या
सो फॉन्ट साइज आप सब एडिट, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें सबको जानते हैं। डबल टैप टू बेक ऑप्शन दिया हुआ है। साउंड एंड वाइब्रेशन तो वही सब है। हैप्टिक फीडबैक मुझे नहीं लगा कुछ खास। मीडिया प्लेयर ये सबका तो ऑप्शन है ही। थीम डाइकन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। कलर अपने यहाँ से इनेबल कर सकते हो। मैं तो बेसिक कलर्स में से ग्रीन ही सिलेक्ट करूँगा। मुझे ग्रीन बहुत अच्छा लगता है कलर, तो मैं तो यही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं बात करूँ अगर एसेसिबिलिटीज़ में, तो कुछ खास मुझे तो नज़र नहीं आया। वही सब जो गेट टुगेदर चीज़ें हैं, बग्स की बात नहीं। सिक्योरिटी इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, बट मेरा कवर में एक्चुअली होल छोटा है, तो मेरे फिंगर्स एडजस्ट नहीं होते हैं, तो मैंने उसको चेक नहीं किया, पर वो वर्क करता है। उसके बाद सॉरी फॉर योर डिस्टर्बिंग वॉइस, पीछे से आ रही है, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। गूगल अगर करूँ तो वही आपका सर्विसेज एंड प्रेफरेंस आएगी। सिस्टम में आपको अपडेटर दिया गया है, क्योंकि ये ऑफिशियल बिल्ट है इसलिए अपडेटर दिया गया है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखा करो। आप लोग छोड़ के चले जाते हो यार, कैसे अपने भाई को छोड़ के चले जाते हो। जेस्चर्स में ये देख लो, सिस्टम नेविगेशन में चलता है, वही सब ऑप्शंस दिया है इन्होंने। कुछ खास मुझे तो नहीं लगा, बट हाँ इसका प्लस एडिशन आएगा। और मैं इनके मेंटेनर को थैंक कहना चाहूँगा कि इस बिल्ट को बनाने के लिए। आप देख सकते हो सिस्टम अपडेट, इनके मेंटेनर का नाम है सक्थेवी नादर। तो आप जो भी हो भाई, आपको मेरी तरफ से वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि आपने एक मीडियाटेक डिवाइस के लिए बिल्ट बनवाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अंटिल देन, बाय बाय एंड कीप